हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम योर क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। सो इंडिगो मींस, इंडिगो जो का जो मतलब होता है, एक नील की एक पौधा होता है नील का, जिसे यू कैन से कि ब्लू कलर का एक डाई निकलता है, ठीक है, डाई बनाने में यूज़ होता है, तो उसकी खेती से रिलेटेड ये चैप्टर है। सो लुइस फिशर रोट अ बुक ऑन महात्मा गांधी। द नेम ऑफ द बुक वॉज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एंड इट इज सेट टू बी द बेस्ट एवर रिटन बुक ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। एंड लुइस फिशर वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट ऑल्सो। ही हैड वर्कड फॉर सम प्रेस्टिजियस न्यूज़ पेपर्स एंड जर्नल्स, इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन ऑल्सो। एंड ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी टू। तो देखिए, इस चैप्टर में बताया गया है कि महात्मा गांधी की जो पॉलिटिक्स थी, महात्मा गांधी का जो एक स्टाइल था, आप ये कह सकते हो कि आवाज़ उठाने का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था। मतलब उनकी कोई पॉलिटिक्स कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की पॉलिटिक्स नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, अगर मैं कहूँ मुझे आज़ादी चाहिए, अगर मुझे आज़ादी के मायने ही मालूम नहीं है, मतलब लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम, लोगों की रियल लाइफ की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। उन्हीं चीज़ों से निकल के वो इतने बड़े ग्रेट लीडर वो बन गए थे। उनका कद इतना बड़ा हो गया था, सब लोग उनको जानने लगे थे, महात्मा कहने लगे थे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो थी लोगों की, आप ये कह सकते हो कि ज़मीनी हकीकत से जुड़ी थी, उनकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। तो इसी तरह का एक वाक्य, एक इंसिडेंट जो ये राइटर है जिन्होंने बुक लिखी थी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वो फर्स्ट टाइम गांधी जी से मिले थे 1942 में। वहाँ उन्होंने गांधी जी के कुछ इंटरव्यूज़ लिए थे और उसके बेसिस पे उन्होंने वो बुक लिखी थी, और ये उस बुक से एक एक्सेप्ट है, एक उसका पार्ट लिया गया है, ये जो इंडिगो है, जिसमें गांधी जी ने उन्हें कुछ बताया था कि कैसे किसान के कहने पर वो चंपारण बिहार गए थे। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917. तो लुइस फिशर लिखते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, मतलब 1942 के अंदर उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में था सेंट्रल इंडिया में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कब हुआ, जब मेरे मन में ये तीव्र इच्छा हुई कि मैं ब्रिटिश जो लोग इंडिया में आए हुए हैं उनके डिपार्चर के लिए कोशिश करूँ, मतलब कि उन लोगों को इंडिया छोड़ के जाने के लिए मैंने एफर्ट्स कब तेज कर दिए थे। इट वॉज इन 1917, गांधी जी कहते हैं कि 1917 की बात है। ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग हुई थी, एनुअल कन्वेंशन हुआ था 1916 में, तो गांधी जी वहाँ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, तो 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और काफ़ी विजिटर्स थे, मतलब डेलीगेट्स ये कह सकते हो कि अलग अलग जो है ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए हुए थे। During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. तो गांधी जी याद करते हैं कि उस प्रोसीडिंग्स के दौरान, उस मीटिंग के दौरान, एक मुझे याद है कि एक किसान मेरे पास आया जो कि भारत के और किसानों के जैसा ही था, गरीब सा और emaciated का मतलब थिन था वो, मतलब पतला दिख रहा था, और उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ। गांधी हैड नेवर हार्ड ऑफ द प्लेस, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। गांधी जी ने इस जगह का नाम नहीं सुना था चंपारण का कभी, और ये उन टावरिंग हिमालयाज, मतलब बड़े जो हिमालयाज माउंटेन हैं, उनके फुट हिल्स में था, उनके पैरों में था, उनकी बॉटम में, और नेपाल किंगडम के पास था ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स फॉर शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। तो एक पुराने टाइम में कोई एग्रीमेंट हुआ था, एक अरेंजमेंट हुआ था, तो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब वो जिन लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पे काम करते थे, तो अपनी ज़मीन पे एक कुछ परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज जो था फसल का, वो उन्हें रेंट के तौर पे अपने लैंडलॉर्ड्स को दिया करते थे, तो दिस इज़ कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग। तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, वो अनपढ़ तो था, इलिटरेट तो था, बट वो रेजोल्यूट था, उसके इरादे पक्के थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो कांग्रेस के सेशन में इसलिए इस उम्मीद से आया था कि मैं वहाँ जाकर काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे आएंगे, उनसे शिकायत करूँगा कि बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो काफ़ी अन्यायपूर्ण है, और किसी ने शायद उसे कहा होगा कि तुम गांधी जी से बात करो इस मुद्दे को लेकर, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनके अपॉइंटमेंट है और वो इंडिया के और पार्ट्स में भी उनको जाना है, तो शुक्ला हर जगह उनके पीछे गया, उनके साथ गया।
Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. तो उसके बाद गांधी जी जब अपने आश्रम में लौट आए थे अहमदाबाद में, और तो शुक्ला वहाँ भी उनके पीछे पीछे आश्रम चला गया और काफ़ी वीक्स तक वो गांधी जी के साथ ही रहा, मतलब उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, तो वो याचना करने लगा गांधी जी से कि जी एक डेट फिक्स कर दीजिए कि उस दिन आप चंपारण आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी उस शेयरक्रॉपर की टेनेसिटी से, उसकी जिद से आप ये कह सकते हो कि काफ़ी इम्प्रेस हुए, और गांधी जी ने उसे कहा कि मैं इस डेट को कलकत्ता आना है मुझे, तुम वहाँ आओ मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। महीनों बीत गए और जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे तो शुक्ला उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, तो वो हॉन्चेज पर बैठा हुआ था, मतलब वो उकड़ू बैठा हुआ था गांधी जी के इंतज़ार में। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, और उसके बाद दोनों ने पटना के लिए ट्रेन पकड़ ली। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। उसके बाद शुक्ला उन्हें एक बिहार के एक लॉयर के घर ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के और भारत के भी प्रेजिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यंग मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। तो प्रेजिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, जो लॉयर थे उस टाइम, वो तो टाउन से बाहर गए हुए थे, लेकिन सर्वेंट्स शुक्ला को जानता था क्योंकि शुक्ला काफ़ी बार वहाँ गया होगा हेल्प के लिए। तो वो उसे शुक्ला को एक पुअर योमैन एक छोटा किसान समझते थे, और जो उनके मास्टर को तंग करता था, पेस्टर होता है किसी को बार बार तंग कर देना, मतलब हेल्प के लिए इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की, तो नौकर उसे पहचानते थे शुक्ला को। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire stores. How did they know that he was not an untouchable? तो देखिए उन्होंने नौकरों ने क्या किया, उन्हें मतलब वहीं ज़मीन पर ही रहने दिया, मतलब और अंदर नहीं आने दिया घर के, और गांधी जी को भी उन्होंने और किसान ही समझा, और गांधी जी को कुएं से पानी भी नहीं निकालने दिया क्योंकि उस टाइम अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट थी। अनटचेबिलिटी का मतलब कुछ लोगों को वो लोअर कास्ट समझते थे, और उनके स्पर्श से या उनके टच करने से पानी ये समझते थे कि कहीं वो पल्यूट ना हो जाए, तो उनको कैसे पता चल सकता था कि गांधी जी उनके अकॉर्डिंग अनटचेबल नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था, ताकि वहाँ जाके वो कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके इस जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है इसके बारे में, क्योंकि शुक्ला जो अनपढ़ था वो बेचारा इतनी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं कर सकता था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था गांधी जी को। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा एक प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, और जिनको गांधी जी पहले टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे, मतलब उनके एक्वेंटेंस थे गांधी जी के वो। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो देखिए ट्रेन जो थी वो आधी रात को वहाँ पहुँची 15 अप्रैल 1917 को, और कृपलानी जो थे वो स्टेशन पर काफ़ी स्टूडेंट्स को लेकर गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी जी वहाँ पर 2 दिन के लिए ठहरे एक प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो गांधी जी कहते हैं कि ये एक अद्भुत सी असाधारण सी बात थी उन दिनों में, कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट, वो प्रोफेसर थे गवर्नमेंट की जॉब में थे, और फिर भी उन्होंने मेरे जैसे आदमी को अपने घर में जगह दी, क्योंकि मैं क्या था, मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ था, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ था, मैं होम रूल को एडवोकेट कर रहा था, मतलब इंडिया में स्वराज आना चाहिए। तो लोग मतलब डरते थे, इंडियंस खुद डरते थे ऐसे इंडियंस को अपने घर में पनाह देने से जो स्वराज के लिए आवाज़ उठाते थे, वो समझते थे कि अंग्रेज़ उनसे नाराज़ हो जाएंगे। The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो गांधी जी के एडवेंट की, मतलब गांधी जी के आगमन की, आने की खबर, और उनके मिशन, किस मिशन पे वो काम करने वाले थे, वो तुरंत आग की तरह फैल गई मुजफ्फरपुर में और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन।
तो उनको जब पता चला कि उनके लिए कोई मसीहा आया है बाहर से, उनका कोई चैंपियन आया है, तो जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो परेशान थे इस सिस्टम से, चंपारण के लोग, वो मतलब पैरों पे ही जैसे चल पड़े, बिना किसी साधन के वो अपने घर से चल पड़े, कुछ किसी कन्वीनियंस से, किन्हीं साधनों से जो है वो गांधी जी से मिलने के लिए चल पड़े अपने अपने घरों से। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो ये बात मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को भी पता चली, भी कोई आदमी जो है वो किसानों के लिए मतलब लड़ने आया है, उनका मसीहा बन के आया है। तो वो लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने के लिए और उनको सब कुछ समझाने के लिए चल पड़े। उन्होंने बताया गांधी जी को कि वही लॉयर्स जो है वो पीजेंट ग्रुप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, और उन्होंने गांधी जी को केस के बारे में भी जानकारी दी और ये भी बताया कि उनकी फीस कितनी होगी। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्हें डांटा लॉयर्स को, उन शेयर क्रॉपर्स से, उन गरीब किसानों से इतनी बड़ी बड़ी फीस चार्ज करने के लिए। उन्होंने कहा, ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन डैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। टेकिंग सच केसेज टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचाऊं, इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि हमें कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब किसान इतना ज़्यादा जो है कुचला हुआ, इतना ज़्यादा डरा हुआ है अंग्रेज़ों से कि वो कोर्ट में जाके भी क्या कर लेगा, उसका वहाँ जाना बेकार है। सबसे बड़ा रिलीफ, सबसे बड़ा काम जो हमें करना चाहिए वो क्या होगा, पहले उनको इस डर से मुक्ति दिलानी चाहिए, जो अंग्रेज़ों से इतने वो डरे हुए हैं उस चीज़ से। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स। तो ज़्यादातर जो अरेबल लैंड थी वहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो उपजाऊ भूमि थी, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड की गई थी, बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, और जिसके ओनर अंग्रेज लोग थे और जिन पे काम थे इंडियन टेनेंट्स के, मतलब किराएदार के तौर पर वो काम करते थे उस ज़मीन पर। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो जो मेन कॉमर्शियल क्रॉप थी, मतलब ऐसी क्रॉप जिसे बाहर बेचा जाता था, तो वो इंडिगो थी, नील की फसल थी। और लैंडलॉर्ड्स ने क्या कंपेल कर दिया था सभी किसानों को, जो टेनेंट्स थे वहाँ पे काम करने वाले, उनको ये कहा कि तुम अपनी 15% लैंड होल्डिंग पे सिर्फ इंडिगो लगाओगे और वो सारी की सारी फसल हमें रेंट के तौर पर हमें सरेंडर करोगे। और ये एक काफ़ी टाइम से एक लंबा एक कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। दे देयर अपॉन ऑब्टेंड अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और अभी क्या हुआ था इन दिनों कि लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था कि जर्मनी ने क्या कर लिया, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। मतलब अभी फसल की जरूरत नहीं है, वो मैन मेड जो है वो आर्टिफिशियल इंडिगो उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसानों को तो ये बात बताई नहीं, उनको ये कहा कि तुम्हें हम उस 15% जो है हमारा एग्रीमेंट है इंडिगो लगाने वाला उससे मुक्त कर देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे कॉम्पनसेशन के तौर पर। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। दोज हू रजिस्टर्ड एंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने उन्हें बताया नहीं था कि वो इंडिगो की खेती से उन किसानों को क्यों मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था अब इंडिगो को वो कहीं भेज नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और किसानों तक जब ये बात पहुंची, तो देखिए कुछ किसानों ने पहले ही पैसे दे दिए थे, तो वो लोग जो है उन्होंने साइन कर दिए थे, वो अपने पैसे वापस चाह रहे थे। कुछ लोगों ने क्या किया, मतलब रजिस्टर किया, लॉयर्स एंगेज कर लिए, और लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर लिए, ठग्स हायर कर लिए, बदमाश जो लोग थे वो हायर कर लिए, और इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब कई किसानों तक पहुंच गई। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो इस टाइम में जो है, जब ये सब वहाँ पे माहौल था, इस माहौल में गांधी जी चंपारण पहुँचे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने पहले फैक्ट्स कलेक्ट किए इस केस के। सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी था उसके पास गए। वो सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि वो किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कुछ भी। तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। तो बाद में गांधी जी ने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था जो तिरहुत डिवीज़न का, तो वहाँ गांधी जी गए उनसे मिलने के लिए,
जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर पड़ता था, जिस डिवीजन के अंदर, तो कमिश्नर ने क्या किया, गांधी जी बताते हैं कि वो मुझे धमकाने लगा, डराने लगा और मुझे कहा कि तुरंत तुम तिरहुत छोड़ के चले जाओ, फोर्थ विद का मतलब अभी तुरंत, विद इमीडिएट इफेक्ट। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो गांधी जी छोड़ के नहीं गए चंपारण जो है, बल्कि वो मोतिहारी की तरफ चले गए जो कि चंपारण की कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकंपनीड हिम एट द रेलवे स्टेशन, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। तो काफ़ी लॉयर्स भी उनके साथ चल दिए और रेलवे स्टेशन पर गांधी जी ने क्या देखा, लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी से मिलने आई। वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब बहुत बड़ी भीड़। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो वो एक घर में गए और उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी उन्होंने। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो एक रिपोर्ट ये भी आई कि साथी के एक पास के गांव में एक पीजेंट के साथ, एक किसान के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, उसे मैलट्रीट किया गया है। तो गांधी जी ने वहाँ जाने का विचार बनाया और देखने की कोशिश की। अगली सुबह वो एक हाथी के ऊपर बैठकर वहाँ उस ओर चल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटूक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज। वो कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तभी एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का ऑफिशियल आया और गांधी जी को कहा कि तुम तुरंत वापस अपनी गाड़ी में लौट जाओ। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उनकी उसकी बात मान ली थी। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और जो मैसेंजर आया था गांधी जी के पास, वो गांधी जी को वापस लेके गया उधर घर की तरफ और उनको एक ऑफिशियल नोटिस सर्व किया गांधी जी को, और उसमें ये लिखा था कि गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ के जाना होगा। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट इन दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने क्या किया, उस नोटिस की रिसीट एक साइन कर दी और साथ ही ये भी लिख दिया कि वो उस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। तो देखिए जी, कोर्ट का एक ऑर्डर था और उसका आदेश नहीं किया, तो गांधी जी को समन किया गया कोर्ट में आने के लिए। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में आने का समन मिल गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय। तो पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राफ किया बिहार से आने के लिए, अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके, जिनका मतलब प्रभाव था, प्रभावशाली कुछ व्यक्तियों को लेके आए उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद को। उन्होंने अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेज दी। उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट जो थे वॉइस रॉय जो था, जो मतलब अंग्रेजी हुकूमत का जो रिप्रेजेंटेटिव था, अंग्रेज ब्रिटिश के जो क्वीन या किंग जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के अंदर थे वॉइस रॉयज, तो उनको भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट वायर कर दी, टेलीग्राम उन्होंने कर दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। और सुबह क्या हुआ, मोतिहारी जो टाउन था वो इतना ज़्यादा किसानों से भर गया कि वो ब्लैक नजर आने लगा, इतने किसान इकट्ठा हो गए वहाँ पे। दे डिड नॉट नो गांधीज रेकर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वॉन्टेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। तो वो लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, स्पॉन्टेनियस उनका उनकी गैदरिंग का कारण क्या था, वो गांधी जी के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में एक लॉयर थे ये, और तो उन्होंने सिर्फ ये सुना कि एक महात्मा आया है उनकी हेल्प करने के लिए और अब वो मुसीबत में पड़ गया अथॉरिटीज़ के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और एकदम से स्पॉन्टेनियस होता है, बिना प्लानिंग के उनका एक तरह से जो है प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना हज़ारों की तादाद में कोर्ट हाउस के बाहर, वो पहली ऐसा संकेत दिया उस चीज़ ने कि अब वो अंग्रेज़ों के डर से जो थी उनको मुक्ति मिलने लगी थी। मतलब एकदम से किसानों में इतनी हिम्मत आ गई कि हज़ारों के हज़ारों इकट्ठे होकर कोर्ट के बाहर वो डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट ही दैट टू ड्रेडिड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाई इंडियंस। तो जो ऑफिशियल्स थे वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना उन्होंने अपने आप को असहाय पाया, पावरलेस पाया, और गांधी जी ने क्या किया, भीड़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में उनकी मदद की। गांधी जी बड़े पोलाइट और फ्रेंडली तरीके से पेश आए। वो उनको अंग्रेज़ों को एक कंक्रीट, एक मजबूत प्रूफ दे रहे थे इस बात का कि उनकी माइट जो थी, उनकी शक्ति जो थी, अभी तक जो हिदर्टो का मतलब अभी तक, ड्रेडेड का मतलब जिससे डरते थे लोग या जिसको कोई चैलेंज नहीं करता था, अनक्वेश्चन्ड थी वो, अब इंडियंस उसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब अब जो नया इंडिया है वो तुम्हारे तुम्हारी पावर को चैलेंज कर सकता है। गांधी जी ने उनको ये मैसेज देना चाहा अंग्रेज़ों को। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जस्ट टू पोस्टपोन द ट्रायल। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरीके से डर गई, कन्फ्यूज हो गई कि क्या करे।
और जो प्रोसिक्यूटर था, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर था, उसने जज को ये रिक्वेस्ट किया कि इस ट्रायल को जी आप पोस्टपोन कर दीजिए। स्पष्ट था, जाहिर था कि वो लोग जो है अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते थे कि पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि इतने सारे लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठा खड़े हो गए थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने डिले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप डिले नहीं कीजिए, जजमेंट जो देना है अभी प्रोनाउंस कीजिए आप। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें अपने आप को उन्होंने दोषी माना। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। तो गांधी जी ने कोर्ट को क्या बताया कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में है, मतलब मैं तो एक धर्म संकट में फंस गया हूँ, एक साथ तो क्या कि मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता, मतलब मैं कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, लेकिन दूसरी बात ये कि मैं जिस नोबल कोज के लिए आया हूँ, जिस नेशनल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए, मानवता के जिस काम के लिए आया हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि मैंने जो मेरे आपने ऑर्डर भेजा था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ चंपारण, उसका मैंने डिसरिगार्ड इसलिए किया, इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट नहीं है, कि लॉ के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कानून के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है क्योंकि मैं भी एक लॉयर हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है मेरी आत्मा के कानून के लिए है। मेरी आत्मा की आवाज़ जो थी वो मुझे कह रही थी कि मुझे इन किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए मैंने वो कानून तोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए इज्जत नहीं थी इसलिए मैंने वो तोड़ा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, फिर गांधी जी ने उनसे कहा कि मुझे बता दीजिए कि मेरा जुर्माना कितना है। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस डेट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। गांधी रिफ्यूज, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, ये अनाउंस किया कि मैं जो है सेंटेंस है या सज़ा जो है वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, और गांधी जी को कहा कि तुम इतने 2 घंटे की बेल ले लो, जमानत ले लो पैसे देकर। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने मना कर दिया, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जज ने गांधी जी को बिना जमानत के ही छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब कोर्ट दोबारा कोर्ट हाउस में असेंबल हुए वो, तो जज ने ये कहा कि वो कई दिनों तक जजमेंट नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और साथ ही उन्होंने गांधी जी को बाहर आज़ादी से घूमने की आज़ादी भी दे दी थी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। दे कन्फर्ट विद गांधी, What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. तो देखिए, कई prominent lawyers आए बिहार से, गांधी जी ने जब उन्हें बुलावा भेजा था, तो राजेंद्र प्रसाद अपने साथ लेकर आए, ब्रिज किशोर बाबू को, मौलाना मजहरुल हक को, ये सभी prominent मतलब काफ़ी famous lawyers थे। तो उन्होंने गांधी जी के साथ कन्फर किया, मतलब डिस्कशन किया। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ इस प्रोसेस में तो तुम लोग क्या करोगे। Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो सीनियर लॉयर ने क्या जवाब दिया, कहते कि वो तो गांधी जी को एडवाइस करने और मदद करने आए थे, अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो किसको एडवाइस देंगे, वो भी तो अपने घर चले जाएंगे, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप जेल चले गए तो हमें घर ही जाना पड़ेगा, लॉयर्स कहते हैं। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. तो गांधी जी ने कहा, लेकिन उन जो तुम्हारे अपने लोग हैं, जो sharecroppers हैं यहाँ के रहने वाले, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या, फिर मैं जेल चला जाऊँगा तुम अपने घर चले जाओगे। The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. तो वो लॉयर्स जो थे एक बार साइड में चले गए कंसल्ट करने के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद ने जो उनके बीच में जो कंसल्टेशन हुई उसका जो है ना आउटकम क्या निकला वो रिकॉर्ड किया है, मतलब उन्होंने बताया कि क्या हुआ। उन लोगों ने क्या सोचा, कहते कि गांधी तो एक स्ट्रेंजर है यहाँ के लिए और वो हमारे किसानों के लिए जो है वो जेल जाने के लिए तैयार, और हम जो कि ना केवल आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ से, और बल्कि हम तो वो अपने आप को दावा करते हैं कि हम इन किसानों के लिए लड़ते हैं, इनके लिए हम कोशिशें करते रहते हैं, और अगर हम घर चले गए तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक बात होगी, इस तरह से छोड़ के जाना, जो डिजर्शन है इस तरह से हमारा या चले जाना वो बड़ा काफ़ी शेमफुल होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। तो इस तरीके से वो गांधी जी के पास गए और उन्हें बताया कि जनाब अगर आप जेल चले गए तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल आने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड।
तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है फिर तो चंपारण का युद्ध समझो हम जीत गए। तो देखिए गांधी जी ने ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए उनको एक सपोर्ट मिल गया था अब उन्हीं लोगों का, लॉयर्स का। अब गांधी जी डरने वाले नहीं थे और पीछे हटने वाले नहीं थे, अब उनको ये था कि अब अंग्रेजों से वो चैलेंज कर सकते थे। और उनके जो अपने जो लॉयर्स थे किसानों के वो भी अब उनके फाइट में इंक्लूड हो गए थे। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू क्वार्टर रेस्ट। तो गांधी जी ने कागज़ का टुकड़ा उठाया और मतलब ग्रुप्स बना दिए पेयर्स के और बता दिया कि अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो हम इस ऑर्डर में अरेस्ट होंगे कि पहले ये ग्रुप अरेस्ट होगा फिर उसके बाद ये वाला। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला मैजिस्ट्रेट से और जिसमें यह लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस प्रोविंस का उसने क्या किया है, उसने ये आदेश दिया है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। और पहली बार ऐसा हुआ था आधुनिक भारत के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर, कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब इंडियंस ने पहली बार अंग्रेजों को किसी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद भी वो लोग जीते थे, मतलब कोर्ट उनका कुछ भी नहीं कर पाई थी। गांधी एंड द लॉयड्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। तो गांधी जी और जो और लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक अच्छी एक मतलब इंक्वायरी उसके अंदर करने की कोशिश की जो कि किसानों की जो भी समस्याएं थी उनके अंदर, और लगभग 10,000 किसानों ने रिटन स्टेटमेंट्स दिए, डेपोजिशंस दिए उन्होंने, और उसके बाद कुछ और भी एविडेंस बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स आर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो देखिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, पूरे एरिया के अंदर बड़ी चहल पहल थी, बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी। थ्रोब्ड का मतलब आवाजाही जो थी वो काफ़ी, मतलब वो एक्टिविटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, यहाँ पे इस सेंस में यूज हुआ है। और इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उनकी एक्टिविटी चल रही थी और लैंडलॉर्ड्स थे वो बड़े ज़ोरदार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून में गांधी जी को समन भेजा गया, बुलाया गया सर एडवर्ड गेट जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर इवेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो गांधी जी ने अपने जाने से पहले क्या किया, जो भी लीडिंग एसोसिएट्स थे, जो लॉयर्स वगैरह थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन सभी से मिले और उन्होंने डिटेल्ड प्लान्स बता दिए कि अगर मैं ना लौट के आऊँ, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुझे अरेस्ट करवा दे तो आप लोगों को ऐसा करना है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। गांधी जी के बड़े चार बड़े लंबे इंटरव्यूज चले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, प्रोटेक्टेड का मतलब काफ़ी लेंथी इंटरव्यूज थे वो, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लेफ्टिनेंट इस बात से तैयार हो गए कि एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ताकि इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की जो भी सिचुएशन है उसके अंदर इंक्वायरी की जा सके। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. उस commission के अंदर landlords थे, government officials थे और किसानों की तरफ से जो representative थे वो सिर्फ गांधी जी थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो देखिए गांधी जी चंपारण में जो थे वो पहले तो क्या लगातार 7 महीने तक वहाँ रहे, उसके बाद काफ़ी उन्होंने और विजिट्स भी की, और जो विजिट उन्होंने एक अनपढ़ किसान के रिक्वेस्ट पे की थी, उसकी एंट्रीटी पे की थी, अनलेटर का मतलब अनपढ़ आप कह सकते हो, और उन्होंने ये समझ के की थी कि कुछ ही दिनों में ये मुद्दा जो है वो सुलझ जाएगा, उस विजिट ने क्या उनकी ज़िंदगी का 1 साल ऑक्यूपाई कर लिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सो दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। ऑफिशियल इंक्वायरी ने क्या किया, उन्होंने एक सबूतों का पहाड़ इकट्ठा कर दिया प्लांटर्स के खिलाफ, और उन्होंने जब देखा, बड़े प्लांटर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने ये देखा तो वो मान गए और उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है हम किसानों को रिफंड कर देंगे, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। तो देखिए उन लोगों ने पूछा लैंडलॉर्ड्स ने कि हमें कितना पे करना होगा किसानों को, गांधी जी से पूछा, तो इसका मतलब कमीशन ने एक सही, आप ये कह सकते हो कि इंक्वायरी की और किसानों के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही आस्क्ड ओनली 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज।
तो एक ब्रिटिश मिशनरी थे, चंपारण में आए हुए थे वो, उन्होंने ये सारा एपिसोड देखा था और उनका नाम था रेवरेंड जे जेड होज। तो वो क्या लिखते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा कि गांधी जी पूरी पेमेंट मांगेंगे जो उन्होंने मतलब इलीगल तरीके से या धोखा देकर किसानों से उन्होंने जो हड़पा था, एक्सटोर्ट किया था। तो गांधी जी ने सिर्फ 50% का, और वहाँ वो बड़े एडमेंट नज़र आए। एडमेंट का मतलब जिद्दी नज़र आए कि 50% से तो कम मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। थिंकिंग प्रोबेबली डेट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांट हैज ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेड लॉक। तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर्स का, तो उसने क्या सोचा कि गांधी जी 50% से तो कम आने वाले नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो हम 25% रिफंड कर देंगे। तो उसने तो ये सोच के कहा था कि इस तरह से सिचुएशन रिजोल्व ही नहीं होगी और उनको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। गांधी जी 50% से कम आने वाले नहीं है और उनकी कंडीशन 25% थी। तो उसको हैरानी हुई, गांधी जी ने उसको उसकी बातों में उलझा दिया और कहा कि ठीक है तो फिर 25% डन। और इस तरीके से जो डेडलॉक बनने वाला था, मतलब जिसका कोई मतलब अगर 50 और 25% पे बात ना बनती तो उस डेडलॉक को मतलब आगे बात ना बढ़ती, उस चीज़ को गांधी जी ने वहीं पर ख़त्म कर दिया था। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो ये सेटलमेंट जो था कमीशन ने यूनानिमसली मतलब सभी के सपोर्ट से, सर्वसम्मति से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया कि रिफंड की अमाउंट कितनी थी ये मायने नहीं रखता, बात जो मायने ये रखती है कि लैंडलॉर्ड्स पैसे वापस देने के लिए राजी हुए, मतलब उनको पैसे अपनी तरफ से देने पड़े और इसके साथ साथ उनका प्रेस्टीज भी गया कि पहली बार किसानों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. तो आज तक जो ये लैंडलॉर्ड से ऐसे बिहेव करते थे कि ये कानून से भी ऊपर है, उनसे भी बढ़ के हैं, और आज जो थे पीजेंट ने देख लिया कि उसके भी अधिकार हैं और उसके उसके भी अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, डिफेंडर्स हैं, और उसमें हिम्मत आई ये बात देखकर। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. और ये बात जो थी गांधी जी की बात को जस्टिफाई भी किया आगे जो कुछ घटनाएं हुई। कुछ ही सालों में क्या हुआ, ब्रिटिश प्लांटर्स ने वो एस्टेट्स छोड़ दिए और वापस किसानों के पास वो आ गए और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण villages and wanted to do something about it immediately. तो देखिए गांधी जी ने कभी भी मतलब इस बात के पक्षधर नहीं रहे वो कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन लेके आऊँगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं की उन्होंने। हमेशा उन्होंने किस बात पे जोर दिया, उन्होंने जब देखा कि चंपारण के गांव में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, तो वो तुरंत उसके लिए कुछ करना चाहते थे। वो कोई ऐसे नहीं कि बड़ी पॉलिसीज कोई सरकार बनाएगी, कुछ रूल्स बनाएगी तभी कुछ होगा, वो तुरंत उसके लिए कुछ करना चाहते थे उन गाँव के लोगों के लिए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स माधव देसाई एंड नरहरि परीख टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। तो गांधी जी ने टीचर्स के लिए अपील की कि कोई टीचिंग कर दे वहाँ उस एरिया के अंदर फ्री में। तो महादेव देसाई और नरहरि परीख जो दो लोग थे गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे वो, और उनकी जो वाइव्स थी वो लोग आ गए इस बात के लिए वॉलंटियर मतलब बनकर। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और कई और लोग आ गए गांधी जी को जो जानते थे बॉम्बे से, पुणे से, और जो इंडिया के अलग अलग दूर दराज के हिस्सों से। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिज गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन सिक्स विलेजेस। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास वो भी आ गए, गांधी जी की जो वाइफ थी मिसिज गांधी वो भी आ गई, और छः गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। और कस्तूरबा गांधी ने क्या किया, जो वहाँ आश्रम के जो रूल्स थे वो वहाँ की लेडीज़ को सिखाए उन्होंने कि कैसे पर्सनल क्लीनलीनेस रखी जाती है, कैसे कम्युनिटी में सैनिटेशन और हाइजीन रखा जाता है, साफ सफाई रखी जाती है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। 3 medicines वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस भी काफ़ी मिजरेबल थे, काफ़ी खस्ता हालात थे। गांधी जी ने एक डॉक्टर को कहा कि 6 महीने के लिए आप अपनी सर्विसेज यहाँ वॉलंटियर कर दीजिए, और 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, एक तो कैस्टर ऑयल था, एक क्विनिन की गोलियाँ थी, और एक सल्फर ऑइंटमेंट था। ऑइंटमेंट वो सोल्यूशन होता है जो कि टॉपिकल यूज़ के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। एनीबडी हु शोड अ कोटी टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो जिसकी भी टंग जो थी वो कोटेड थी, उस पर कुछ परत जमी हुई थी, उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी गई।
जिसको मलेरिया फीवर था उसे क्विनिन की गोलियां और कैस्ट्रोल दिया गया, और जिसके स्किन इरप्शंस थे फोड़े फुंसियां वगैरह जो थी उसको ऑइंटमेंट और कैस्ट्रोल दिया गया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सेड, लुक देर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। तो गांधी ने क्या देखा, वहाँ जो वीमेन थी उनके क्लोथ्स बड़े गंदे मतलब रहते थे, तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि उन लेडीज से बात करो इस बारे में। तो गांधी कस्तूरबा गांधी ने जब बात की उन लेडीज से, तो एक लेडी उनको अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गई और कहा कि देखिए यहाँ मेरी झोंपड़ी में कोई बॉक्स कोई कपड़ नहीं है मेरे कपड़ों के लिए, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो ही सिर्फ एक साड़ी है मेरे पास पहनने के लिए। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक वो चंपारण में ठहरे थे। इस लंबी अवधि के दौरान गांधी जी ने अपने आश्रम पर नज़र बनाए रखी। वो बार बार इंस्ट्रक्शंस भेजते थे मेल के जरिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए मतलब वो डिटेल्स मंगवाते थे, और उन्होंने रेजिडेंट्स को ये भी लिखा था कि जैसे जो ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज है वहाँ पे टॉयलेट की जो खाइयाँ हैं जो गड्ढे खोदे गए हैं, वो कहते हैं कि वो उनको भरने का टाइम आ गया और नए खोदने का टाइम आ गया, वरना जो पुराने वाले हैं उनमें से स्मेल आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। वट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, आई डिक्लेयर डेट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो चंपारण की जो घटना है वो गांधी जी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा बदलाव लेके आई थी वो चीज़। ये उनका आप ये कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाने के लिए कहने के लिए। और गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये कहा, एक साधारण सी मैंने चीज़ की थी, मैंने सिर्फ ये बताया था कि ब्रिटिश जो है मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न। तो देखिए लेकिन चंपारण ऐसा नहीं कि एक एक्ट ऑफ डिफेंस के तौर पे शुरू हुआ हो कि बिना किसी वजह से अगर किसी ऑफिसर ने गांधी जी को कुछ कह दिया और गांधी जी उसकी बात मानने से मना कर गए, ऐसा नहीं था। ये एक गांधी जी की कोशिश थी कि जो बहुत ज़्यादा पीजेंट्स गरीब किसान हैं उनके दुख को उनके डिस्ट्रेस को कैसे एलिवेट किया जाए कैसे कम किया जाए, ये एक कोशिश थी। और इस कोशिश के दौरान जो है वो एक्ट ऑफ डिफेंस हुआ, और यही गांधी जी का पैटर्न था, टिपिकल गांधी पैटर्न था ये। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. और उनकी पॉलिटिक्स जो थी ना लोगों की प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। उनकी लॉयल्टी ऐसे नहीं थी कि ये एब्स्ट्रैक्शन ऐसे विचार थे कि आज़ादी का मतलब पता ही ना हो और आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा नहीं था। उनकी लॉयल्टी जो इंसानों से जुड़ी हुई थी, इंसानों से वो इतने जुड़े हुए थे कि इसी बात को लेकर वो इतने बड़े लीडर बन गए थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और जो भी बात गांधी जी करते थे उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक नया इंडियन बनाने की कोशिश की जो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और इंडिया को आज़ाद कर सकता था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। तो देखिए चंपारण वाले एपिसोड में क्या हुआ था, एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था। पैसिफिस्ट मतलब जो युद्ध में विश्वास ना रखता हो शांति में विश्वास रखता हो। तो वो गांधी जी का पक्का भक्त बन गया था और उसको फिजी आइलैंड्स जाना था किसी काम से, तो वो गांधी जी से विदाई लेने आया था। गांधीज लोअर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो गांधी जी के जो लोअर फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या सोचा कि एंड्रयू का यहाँ पर रहना चंपारण में सही होगा और हमारी हेल्प करना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड। तो एंड्रयूज कहते हैं कि वो विलिंग थे इस बात के लिए अगर गांधी जी सहमत हो जाते उस बात पर। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड। ही सेड यू थिंक डैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल, यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तो गांधी जी बड़े विरोध किया, उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया इस बात का। उन्होंने कहा, कहते हैं अपने लॉयर फ्रेंड्स को कहा, क्या तुम लोग ये सोचते हो कि इस अनइक्वल फाइट के अंदर अच्छा होगा अगर हम अपने साथ एक इंग्लिश मैन को मिला लें, इससे क्या पता चलेगा कि हमारा दिल कमज़ोर है, हम लोग अंदर से कमज़ोर हैं, हमारा जो काम है जिस काम के लिए हम लड़ रहे हैं वो सही है ठीक है, और हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए इस युद्ध को जीतने के लिए, हमें किसी अंग्रेज़ का सहारा लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, ये सही नहीं होगा। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in his way taught us a lesson in self-reliance.
तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे माइंड्स को ठीक ही पढ़ा था इस बात में, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था, गांधी जी ने हमें निरुत्तर कर दिया था। और इस बात में गांधी जी ने हमें एक और लेसन भी सिखा दिया था, सेल्फ रिलायंस का, मतलब खुद पे भरोसा होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेल्फ रिलायंस का लेसन, भारत की आज़ादी के लिए लड़ना और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई थी। और इस तरीके से गांधी जी जो थे वो भारत को आज़ादी की तरफ ले गए थे। सो दिस वॉज योर चैप्टर इंडिगो, एंड आई होप डैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।